बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में एक बार फिर से बड़ी चूक का मामला सामने आया है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नालंदा में थे और नालंदा में बम विस्फोट की खबर सामने आई। जहां पर यह विस्फोट हुआ उसके ठीक बगल में यानी कुछ ही दूर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैठे हुए थे। क्या बम विस्फोट हुआ था? क्योंकि खबरें पहले आई कि बम विस्फोट हुआ, लेकिन आपको हम हकीकत बताते हैं आखिर वहां हुआ क्या था। देखिए, एक लड़का जिसने पटाखे जो है वो साथ में लाए थे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कुछ ही दूरी पर उस पटाखे को फोड़ दिया जाता है, जिसके कारण वहां पे जो है भागम भाग की स्थिति होती है। यह कहा जाता है कि बम ब्लास्ट हुआ है, लेकिन इसकी हकीकत कुछ और ही निकली है। खबर आपको विस्तार से समझा। जब मुख्यमंत्री घूम रहे थे, सब लोगों से आवेदन ले रहे थे, तो उस समय एक बच्चा जो है, बच्चा क्या माने 10-12 साल का है, ज्यादा उम्र है, वह जो है पड़ाका रखे हुए था, पड़ाका ढाई से जब मुख्यमंत्री इधर घुसे बस पड़ाका है वो छोड़ दिया और उसी में अफरा तफरी मच गया। मुख्यमंत्री भी अवाक रह गए, सारे लोग यहाँ का अवाक है कि सिलाव की प्रतिष्ठा को धूमिल किया गया। लगता है कि यहाँ पर सुरक्षा में चूक हुई है, एकदम चूक हुई है, इसमें कोई दुमत नहीं है। और प्रशासन का जो है सो एकदम मैंने अच्छा से व्यवस्था नहीं किया, जिसके कारण ऐसे हुआ है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा में फिर बड़ी चूक हुई है। नालंदा में उनकी सभा में विस्फोट की खबर सामने आई। जहाँ ये विस्फोट हुआ वहां से कुछ ही दूरी पर नीतीश कुमार मौजूद थे। हालांकि इस घटना में बड़ा नुकसान होने की खबर नहीं है, लेकिन बिहार पुलिस पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। कुछ दिनों पहले नीतीश कुमार को एक युवक ने थप्पड़ जड़ दिया था, अब सभा में विस्फोट हो गया। दरअसल इस वाक्य के बारे में आपको बता दें कि इस वाक्य के बाद लोगों को पहले लगा कि बम विस्फोट या फायरिंग की गई है, बाद में पटाखा फोड़ने की बात सामने आई। पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है। उनकी पहचान नालंदा के इस्लामपुर थाना क्षेत्र के सत्यारगंज निवासी 22 वर्षीय शुभम आदित्य के रूप में हुई है। पुलिस की पूछताछ में शुभम ने बताया कि वह राष्ट्रीय मुद्दे पर सीएम से बात करना चाह रहा था। जन संवाद कार्यक्रम के दौरान लोगों से मिलकर उनका आवेदन ले रहे नीतीश कुमार ने जब उसकी बात नहीं सुनी तो उसने धमाका किया। पुलिस ने उसके पास से पटाखे और माचिस बरामद किए हैं। इस वाक्य के बाद पुलिस कह रही है कि पटाखा छोड़ा गया था, लेकिन सवाल सीएम की सुरक्षा का है। अगर कोई व्यक्ति सीएम के पास आकर पटाखा छोड़ सकता है तो फिर दूसरी घटना को भी अंजाम दिया जा सकता है। इससे पहले बख्तियारपुर में नीतीश कुमार को उनके सुरक्षा घेरे के बीच में घुसकर एक युवक ने थप्पड़ जड़ दिया था। इस घटना में भी पुलिस भी भारी चूक उजागर हुई थी, लेकिन किसी पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई नहीं की गई, लिहाजा आज फिर बड़ी घटना को अंजाम दे दिया गया। तो कहीं ना कहीं आप समझिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुरक्षा कर्मियों को लेकर के, उनके सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के एक बार फिर से सवाल खड़ा हो गया है। अगर कोई युवक पटाखा लेकर के सभा में जा करके उस पटाखे को छोड़ दे तो आप समझ सकते हैं कि वहां पर कुछ बड़ा भी हो सकता था। अब सवाल है कि क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में कुछ और बदलाव आएगा? ये तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे अब फर्स्ट बिहार के साथ। पर इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है, लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और खराब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में, लेकिन हाँ अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरमा, पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रिडिफाइंड।